अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मेरे पास जो है ना पैनासोनिक 8045 का एक मॉडल है, ठीक है, और उसका FLS जो है ना वो कॉपी जब हम करते हैं ना लीगल साइज़ की, तो एक एरर आ जाता है मशीन के ऊपर। ये चेक करें, ये एरर है J08 नंबर है, ठीक है। और ये चेक करेंगे, कह रहा है कि जो है ना पेज वो साइड से अटक गए हैं, ठीक है। हमने उन्हें मिस्ड पेपर कह रहा है ऊपर, रिमूव मिस्ड पेपर, ठीक है। ये अक्सर सर्दियों के अंदर आता है और गर्मियों के अंदर भी कभी कभी ये चीज़ ना ये एरर आ जाता है मशीन के ऊपर। तो इसे कैसे हम हल करते हैं, इसे कैसे इसका यानी कि सलूशन है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों अभी आपने एक देखा है, ठीक है, एक एरर था फोटोकॉपी मशीन के ऊपर। 8045 मॉडल हमारे पास J08 नंबर है, ठीक है। इसका जो कह रहा है कि रिमूव मिस्ड पेपर, ठीक है, A4 का हम सॉरी लीगल साइज जो है ना हम इससे प्रिंट कर रहे हैं डबल साइड। तो इसकी जो लीगल साइज वाली ट्रे है ना वो पेपर को बार बार मिस्ड कर रही है। ये चेक करें, इधर देखें आप, ये देख लें, ये पेपर यहाँ पर जो है ना वो अटक गया है। ये देख लें, ये बार बार ना मिस्ड करेगी बार बार। तो इसे हम कैसे हल करते हैं, इसका सोल्यूशन जो है ना वो क्या है, अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ही ईजी है इसका, ठीक है। अगर आप किसी मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपसे पेमेंट ले लेगा। तो मैं अभी आपको 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी करके दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने एक ना देसी कपड़ा जो है ना वो ले लेना, जैसे ये मैंने देसी कपड़े का एक पीस लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, इसे एक ग्लास के अंदर थोड़ा वाटर ले लेना, ये वाटर लिया, ठीक है, और ये देसी कपड़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसे भिगो लेना इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह यानी कि ऐसे निचोड़ लेना, इसके अंदर पानी ना रहे, कम रहे बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसे साफ कर ली। अब अपने हाथों को आपने ना वॉश कर लेना, साफ कर लेना अच्छी तरह, क्योंकि अर्थ ना आपको फील हो, ठीक है। और आप लोगों ने दोस्तों इसकी जो ये वाली साइड जो है ना इसे ओपन कर लेना, ये देख लें। और इसके जो ये वाले रूले हैं, ये फिरकियां हैं, ये वाले रूले हैं, इसे आप लोगों ने इस गीले कपड़े से ना हल्के हल्के नीम कपड़े से आपने इसे साफ कर देना, ठीक है। जैसे ये मैं साफ करने लगा हूं, ठीक है, इसे साफ कर लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने पता क्या करना है, ये इसका मेन गेट जो है इसे ओपन कर लेना है। ये मैंने इसका मेन गेट ओपन कर लिया। अब ये लॉक को नीचे करेंगे और इस वाले जो है ना वो ट्रे को आप बाहर निकालेंगे, मेन ट्रे को। अब ये जो बेल्ट है ना इन्हें आप लोगों ने साफ करना अच्छी तरह, ठीक है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर दोस्तों मट्टी होती है गर्दों के बाहर, वो इनके अंदर आ जाता है, ठीक है, इन फिरकियों के ऊपर आ जाता है, और जिस वजह से ये कॉपी जो है ना वो नहीं करती, पेज को वो मिस्ड कर देती है, रिमूव करना पड़ता है हमें, ठीक है, नहीं कि एरर दे देती है। ये सारी जो है ना वो मट्टी की प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, मट्टी की वजह से हमें आते हैं। अगर हम किसी मैकेनिक को लेकर आएंगे तो वो भी एक छोटा सा काम करेगा, उसके बाद आपसे अच्छे भली जो है ना वो पेमेंट ले कर चले जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपने आप अपने घर बैठ कर इसे इसका ना यानी कि हल निकाल लें, ठीक है। आप इसे ओपन करेंगे और इसे अच्छी तरह जो जितने भी इसके जो फिरकियाँ जो रूले हैं ना इसके, ठीक है, ये सभी को आप लोगों ने दोस्तों वो उसी गीले कपड़े की मदद से आपने साफ कर लेना अच्छी तरह, ठीक है, रगड़ कर। जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह जो फिरकियाँ वगैरह है ना सारे सारे पॉइंट्स को आपने साफ कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, ये साफ हो गया, ठीक है, अब इसे बंद करते हैं, ओपन करते हैं। अब इधर आ जाएं आप, ये
ठीक है, अब ये पॉइंट्स को भी आप लोगों ने दोस्तों इन्हें भी आपने साफ कर लेना, और इसे ओपन करते हैं। फिर ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स को आपने साफ करना, ये मट्टी जितनी भी है इसके ऊपर ये सारी खत्म करनी होगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ब्लोअर को पकड़ के ना ब्लोअर जो है मशीन के अंदर लगा देते हैं, ना ना ना, ये गलती कभी नहीं करनी है आपने, ब्लोअर नहीं लगाना, क्योंकि ब्लोअर की मदद से मट्टी जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगी बल्कि मशीन के अंदर चले जाएगी, वो फिर आपका ज्यादा नुकसान होगा आपकी मशीन का। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह सॉफ कर लेना मशीन को गीले कपड़े की मदद से, और फिर इसे बंद करते हैं आप। ठीक है, अब इसे बंद करते हैं। ठीक है, और अब देखेंगे दोस्तों आप ठीक है, यही फोटो है मेरे पास एक, ठीक है मैं इसका प्रिंट करना चाहता हूँ, ये देख लें ये FLS साइज है, यानी कि लीगल साइज है, सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब यहां से मैं इसे थोड़ा डार्क करता हूँ, और ये मैंने डबल साइड किया। ठीक है, और अब फिर से इसकी दूसरी साइड तो नहीं है, लिहाजा मैं इस पेज को ही डबल साइड करना चाहता हूँ, फिर से मैं इसकी डबल यानी कि कॉपी निकालना चाहता हूँ, यानी कि आगे पीछे दोनों साइड से ये कॉपी निकले। ठीक है, तो ये देख लें दोस्तों आपकी आपके सामने ही है, दोनों साइड से जो है ना वो कॉपी निकल गई है। ठीक है, पहले जो प्रिंट मशीन जो है ना वो एरर दे रही थी। ठीक है, जब हम उसकी जो प्रिंटिंग करते थे एरर कर देती थी, वो कहती थी कि मशीन को आप यानी कि पेज को रिमूव करें उसके बाद जो है ना वो पेज चलेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारी मशीन जो है ना वो ऐसे एरर दे देती हैं, तो आपने मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल है इसका, ईजी। आपने पता क्या करना है, ठीक है, इस तरह का देसी को कपड़ा ले लें, उसे थोड़ा सा कर लें गीला कर लें, गीला करने की मदद से आप क्या करेंगे, इसके जितनी भी फिरकियां हैं आपने उसे सॉफ्ट कर देना अच्छी तरह। जैसे फर्ज करें ये ट्रे है, ठीक है, इस ट्रे का मैं एक प्रिंट लेता हूं अभी आपके सामने, ये देखें ये फ्रंट वाली ट्रे होगी। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और अब मैं इसका प्रिंट लेने लगा हूं, ये देखें, और ये प्रिंट थोड़ी देर के अंदर आउटपुट हो जाएगा, ये देख रहे हैं आउटपुट हो रहा है। बाज़ औक़ात दोस्तों ये ट्रे भी जो है ना वो जाम हो जाती है, वो किस वजह से होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट आउट हो जाने दो, अभी बताता हूँ, ये देख लें, ये इसका प्रिंट निकल आया। ठीक है, आपने इसे भी ऐसे थोड़ा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये कपड़े की मदद से आपने इसकी ये जो अंदर इसकी जो फिरकियाँ हैं ये रूले हैं इसे आपने अच्छी तरह साफ कर देना, ये दो दो तीन रूल हैं इसके। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मट्टी है वो गर्दोगबार जो है ना वो जम जाता है, जिस वजह से ये फिरकियां काम नहीं करती। ठीक है, और हम कहते हम परेशान होकर घर बैठ जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, और जब मकैनिक आता है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी फीस लेके चले जाता है। ठीक है, और हमारी मशीन ठीक हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप लोग दोस्तों इसे इसकी यानी कि सफाई वगैरह का ख्याल रखें, क्योंकि कपड़ा वगैरह इसका यूज़ करते रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये मेरी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।